everyone, a very very good evening my dear lovely students and a very warm welcome to the session. I hope all of you guys are doing absolutely fine and amazingly well. I am Ankana, your master teacher for social sciences at Vedantu, hoping you guys are staying home, staying safe, taking good care of yourselves. और धमाकेदार तरीके से टर्म टू की चल रही है आपकी तैयारी. बहुत बहुत वार्म वेलकम है आपका आज के तीसरे सेशन में इस चैप्टर के जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. बच्चों ये तीसरा और आखिरी सेशन इस चैप्टर का. हमने इस चैप्टर के दो सेशंस ऑलरेडी कर लिए हैं. पहले वाले सेशन में हमने किया था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, जहां पे हमने वो सारी चीजें डिस्कस की थी कि क्या मतलब है नेचुरल वेजिटेशन का, वर्जिन वेजिटेशन क्या होता है, इंडिजीनियस वेजिटेशन क्या होती है, एंडेमिक क्या होती है, एक्जॉटिक क्या होता है. ये सारा कुछ हमने पहले सेशन में किया था. दूसरे सेशन में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसीडियस, ट्रॉपिकल थॉर्न और आपका मैंग्रोव माउंटेन, ये अलग अलग तरह के जो वेजिटेशंस होते हैं कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं और इनका मतलब क्या होता है. ठीक है, अब आज के सेशन में हम जो है हमारा आखिरी सेक्शन इस चैप्टर का विच इज वाइल्ड लाइफ वो डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द स्पेशल वेव सीरीज फॉर ऑल माई लवली यूट्यूब स्टूडेंट्स. बच्ची ये जो सेशन आप देख रहे हो ये डिफरेंट आपको इसलिए दिख रहा है फ्रॉम द रेगुलर यूट्यूब सेशंस, क्योंकि ये वेव प्लेटफॉर्म पे हो रहा है जो कि वेदांतु का अपना प्लेटफॉर्म है ना. तो ये वेदांतु के अपने प्लेटफॉर्म पे हो रहा है. तो आपने क्या करना है, एक लिंक गिवन है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो यूज करके फटाफट से सेशन ज्वाइन कर लेना है. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरी वन हु हैज एक्चुअली ज्वाइन द वेबिनार जो कि आपने वेदांतु के वेबसाइट से किया है. तो बच्चे आपको क्या करना है और क्यों जरूरी है ये ज्वाइन करना वो भी मैं फट से बता दूं. वी आर गोइंग टू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्विजेस थ्रू द सेशन. हम सेशंस के थ्रू बहुत सारे क्विजेस करने वाले हैं. वो सारे क्विजेस इस प्लेटफॉर्म पे होंगे, ना कि क्विजेस या मेंटी पे. वो क्विज होंगे यहाँ वेव प्लेटफॉर्म के क्विज. इसके लिए अगर आप यहाँ पे नहीं हो तो आप ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब के चैट पे सिर्फ लिख पाओगे, आप वोट करके लीडर बोर्ड पे नहीं आ पाओगे. प्लस ऑल ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस ऑफ बीइंग हियर फॉर एग्जांपल दिस विल बी मिस्ड. So you wouldn't want to miss all of this. So I would just very strongly recommend everybody to come and join the session. बहुत मजा आने वाला है, बहुत fun होने वाला है. आपने क्या करना है, अगर आप desktop से ये video देख रहे हो so the link is given over here. कहाँ पे चैनल का नाम है उसके ठीक नीचे आपको ये सेशन ज्वाइन करने का लिंक गिवन है. अगर आप फोन से देख रहे हो ये सेशन फॉर मोबाइल यूजर्स तो आपको इस तरीके का आउटलेट आ रहा ले आउट आ रहा होगा. यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बटन है, जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा. उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली चीज यही लिखी हुई है कि क्लिक द लिंक टू ज्वाइन द वेदांतु सेशन. वही लिंक पे आपने क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है. Now, while all of you, my lovely students from YouTube, are joining the sessions with my lovely students on the platform, मैं कर लेती हूँ जल्दी से डिस्कस हमारे होमवर्क क्वेश्चन जो हमने पिछले सेशन में दिए थे. तो बच्चे कैसा फ्लो होगा, हम होमवर्क क्वेश्चन जो दिया था वो डिस्कस करेंगे, फिर हम एक जल्दी से रैपिड फायर भी करेंगे, यानी कि पिछले सेशन में जो कुछ भी किया उसको रिवाइज करेंगे क्वेश्चन के थ्रू और फिर आज का सेशन शुरू करेंगे. तो वार्म वेलकम है आप सबको तीसरे सेशन में. हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा होमवर्क क्वेश्चन. सारे बच्चों जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया यूट्यूब पे देख रहे हैं, नीचे लिंक गिवन है, प्लीज यहां पे आकर के इस वीडियो को ज्वाइन कर लीजिए. क्विज टाइम में हमने बेसिकली होमवर्क क्वेश्चन में दिया था द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ये और किस नाम से जाना जाता है, विंटर फॉरेस्ट के, समर फॉरेस्ट के, मॉनसून फॉरेस्ट के या वेट फॉरेस्ट के. एक बार हॉटस्पॉट करा के आपसे ये जवाब ले लेती हूं. ए बी सी और डी, किस फॉरेस्ट से जाना जाता है डेसिडियस और किस नाम से, सिनोनिम बतानी है आपको कहीं ना कहीं समझ लो डेसिडियस फॉरेस्ट की. और किस नाम से जाना जाता है डेसिडियस फॉरेस्ट वो बताना है आपने, जल्दी से बता दीजिए ए बी सी और डी. एंड आई विल क्विकली ओके पॉज इन 3, 2, 1 एंड 0. ओके 64% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है विच इज वंडरफुल, कंग्रेचुलेशंस फॉर योर एफर्ट्स. मॉनसून फॉरेस्ट बहुत सही, और उसमें भी दो वेरिएशन आ जाती है, आपका ड्राई मॉनसून फॉरेस्ट और मॉइस्ट फॉरेस्ट. ठीक है चलो नेक्स्ट. कहाँ पे सुंदरी ट्री पाए जाती हैं, सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन विच फॉरेस्ट, एवरग्रीन में, थॉर्न में, डेसिडियस में या मैंग्रोव में. और आपका वक्त शुरू होता है अब. अनुराधा बच्चे आईसीएसई के लिए भी हम सेशंस लाएंगे ऐसा नहीं है,
कि आपको स्ट्रेस करने की जरूरत है. विल हैव वन शॉट्स फॉर आईसीएसई, जस्ट दैट आईसीएसई के बच्चे मुश्किल से कोई है एंड देयर इज नॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स दैट वी रिसीव फ्रॉम आईसीएसई. तो हमें लगा वी माइट एज वेल स्टॉप. ओ आई मार्क द रॉन्ग वन, आई विल हैव टू कैंसिल द हॉटस्पॉट बिकॉज आई हैव मार्क द रॉन्ग आंसर बाई मिस्टेक. आई मार्क सी, आई वॉज सपोज टू मार्क डी. गाइज मैंग्रूव फॉरेस्ट सही जवाब है, ठीक है. 61% ने सही जवाब दिया है. मैम से गलत मार्क हो गया है, बट इट्स ओके. आई जस्ट वांट टू तो लीडर बोर्ड विनर्स है हमारे अक्षिता रस्तोगी, अर्पणा कुमारी और इप्सिता प्रधान 9th B, विच इज सुपर डुपर अमेजिंग. कंग्रेचुलेशंस, वंडरफुल वंडरफुल. चलिए अब शुरू करते हैं सेशन रैपिड फायर क्वेश्चंस के साथ. तो अगर आपने अभी नहीं किया है ज्वाइन, वापस बोल दे रही हूं, आप मिस कर दोगे ये सारा फन, ये सारे रिवॉर्ड्स, ये लीडर बोर्ड पे आना, ये सब कुछ. तो नीचे गिवन है आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. प्लीज बच्चों उस लिंक को यूज करके सीधा यहाँ जाओ. कोई पैसे कुछ नहीं देना, यू जस्ट हैव टू एक्सपीरियंस वेदांत सेशन ऑल टुगेदर वंस, दैट्स इट. ऑल्सो एक और चीज, प्लीज शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. इफ दे आर नॉट हियर, दे प्रोबेबली वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ द वेदांतु सेशन, उनको भी बुला लीजिए, उनके साथ शेयर कर दीजिए. डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, वरना तो फिर बहुत कुछ चला जाता है. चलिए तो शुरू करते हैं रैपिड फायर. सवाल है, इन विच ऑफ द विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया वन हॉर्न डायनासोरसेस आर फाउंड. कहाँ मिलते हैं हमें, पंजाब में, राजस्थान में, जम्मू एंड कश्मीर में या असम में? एंड वी विल स्टार्ट इन 3, 2, 1 एंड 0. कीरा सेवन वेज बच्चे आप की अनुष्का मैम आई एम श्योर ओपी होंगी, लेकिन आप अभी थोड़ा पढ़ लो, ठीक है. आप भी ओपी हो जाओ पढ़ करके, ठीक है. हैप्पी वसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू. आई जस्ट कीप ऑन फॉरगेटिंग. अश्मिता भूमि, सुधीर, आयुष, दुबा, शौर्य, श्री, विद्या, आदित्य, प्रांजल, स्फूर्ति ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. 79% लोगों ने, तुम लोगों ने तो यार बिल्कुल मचा दिया है, क्या बात है. द करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स इज असम. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो किस एरियाज में मिलती हैं, जहां पे रेनफॉल का रेंज कितना होता है? 200 to 150, 100 centimeter to 70, 150 to 100 या 200 से 220? एंड वी विल स्टार्ट इन 3, 2, 1, 0. ऑफ कोर्स इट इज सेफ. हाँ जी बच्चे बिल्कुल सेफ है, सेशन ज्वाइन करना बिना किसी टेंशन के, कर लीजिए ज्वाइन, ठीक है. हाय पार्शव, ओके. स्पर्श, कुमकुम, इनेश, आयुष, आशुतोष, छवि, सुधीर, प्रणव, अनन्या, ख्वाहिश ने दे दिया है बिल्कुल सही जवाब. 61% बच्चे, बहुत सही. बच्चों एक्चुअली ये आंसर जो है वो क्वेश्चन क्या था, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस. अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया होगा तो आपको कंफ्यूजन हो गई होगी. सवाल में हमने पूछा है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, तो हमें पता है डेसिडियस ड्राई में और मॉइस्ट में डिवाइडेड है. वैसे तो डेसिडियस का लिमिट होता है आपका 70 centimeter to 200, ये रेंज में आपको डेसिडियस मिलता है. तो ड्राई नेचुरली लोअर रेंज में मिलता होगा, यानी कि 70 से 100 centimeter वाला, और जो आपका 100 से 200 centimeter का रेंज होता है वहां पे हमें मिलता है मॉइस्ट, ठीक है. तो द करेक्ट आंसर इज 100 to 70 centimeter. लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी मूव ऑन फॉरवर्ड, कौन से जोन में हमें सिल्वर फर जैसी ट्री मिलेगी? मैंग्रूव में, थॉर्न फॉरेस्ट में, माउंटेन में या डेसिडियस में? कौन से फॉरेस्ट में आपको सिल्वर फर जैसे पेड़ जो है वो मिलते हैं? और आपका वक्त शुरू होता है इन 3, 2, 1, 0. कौन से जंगल में मिलेगा बच्चा, बता दो जल्दी. और समय हो गया है हमारा समाप्त. हमारे पास है आदित्य, जिया, भूमि, दिव्यांश, आशुतोष, रचित, प्रणव, आयुषी, आर्यम, अक्षर. काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो गई है. पहाड़ों पे मिलता है बच्चे, एल्पाइन वाली जगह पे हमें मिलता है ये सिल्वर फर, ठीक है. तो ये क्या हो गया, माउंटेन फॉरेस्ट हो जाएगा. माउंटेन फॉरेस्ट इज द करेक्ट आंसर. अब आप लोगों के एफर्ट्स के लिए एक बार तो ड्रम्स तो बनता है. पहला सवाल का जवाब भी काफी सारे बच्चों ने बिल्कुल सही दिया था, बहुत सही. तो अब आज का इंडेक्स देख लेते हैं जल्दी से. हम डिस्कस करेंगे मेडिसिनल प्लांट्स,
वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, इन सारी चीजों को आज हम करने वाले हैं डिस्कस। तो शुरू करते हैं मेडिसिनल प्लांट्स के साथ। बच्चे, प्लांट्स की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, वो हमने पहले सेशन में डिस्कस किया था कि आखिर लोगों के लिए, ह्यूमंस के लिए प्लांट्स इतनी जरूरी क्यों है, क्यों हम प्लांट्स प्लांट्स करते रहते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा बेनिफिट है हमारा, हमारा लाइफ उस पर डिपेंडेंट है, वुड आता है, इतने सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं, सो एंड नंबर ऑफ पर्पसेस दिस हैज इंक्लूडिंग मेडिसिनल पर्पसेस। और आज से नहीं, बहुत पुराने समय से, स्पेशली इंडिया में आयुर्वेद जैसी चीजें जो है बहुत फेमस है। आयुर्वेदा जो है वो आज की नहीं, एंशियंट टाइम्स की हजारों हजार साल पुरानी एक तरीका है जिसमें हम मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब्स को यूज करके ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये एलोपैथिक और होम्योपैथिक एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स केम वेरी वेरी लेट। जब आप समझ लो कि रामायण और महाभारत के टाइम पे ट्रीटमेंट एंड हर्ब्स को ही यूज करके किया जाता था। इंडिया इस चीज के लिए जाना जाता है, आयुर्वेदा वर्ल्ड फेमस है बिकॉज ऑफ इंडिया, योगा की तरह, ठीक है। तो लगभग 2000 प्लांट्स जो है वो आयुर्वेदा में डिस्क्राइब किए गए हैं और जिनमें से 500 तो बहुत नॉर्मली यूज होते हैं। आप ही कितनी सारी चीजों को यूज करते हो कि हम काढ़ा पीते हैं, उसमें क्या करते हैं, जिंजर यूज करते हैं, वो उसका मेडिसिनल पर्पस है, ठीक है। उसके बाद हम तुलसी यूज करते हैं, हम गार्लिक यूज करते हैं बहुत सारी चीजों में, ऑयल में गार्लिक डाला पेन रिलीफ के लिए, ट्यूमरिक यूज होता है एंटीबायोटिक की जैसा, नीम यूज होता है एंटीबायोटिक के जैसा, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह इतने सारे टी लीव्स होते हैं। ये सब प्लांट्स ही तो है, मेडिसिनल पर्पस ही तो सर्व कर रहे हैं। ऐसे सुनने में लगेगा नहीं वो मेडिसिनल नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपके बॉडी को बेनिफिट दे रहे हैं, मेडिकली उस चीज को आप दवा खाकर ठीक करोगे। तो इसीलिए ये प्लांट्स का पर्पस वहां पे भी बहुत ज्यादा हो जाता है और वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन रेड लिस्ट एक लिस्ट है जहां पे जो भी प्लांट्स जो है जो आपका एंडेंजर्ड है या फिर एक्सटेंशन की तरफ बढ़ रही है उनका नाम दिया गया है, जिनमें से आप देखोगे कि 352 मेडिसिनल प्लांट्स जो है उनमें से 52 जो है क्रिटिकली थ्रेटेंड है और 42 एंडेंजर्ड है। क्रिटिकली थ्रेटेंड का मतलब बच्चे हमारा ये होता है कि अगर आज का आज हमने कुछ स्टेप नहीं लिया इसको ठीक करने के लिए, फिक्स करने के लिए, तो ये खत्म हो जाएगा, ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा। सो इट्स जस्ट अ स्टेप अवे फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्शन, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। फिर आता है आपका एंडेंजर्ड प्लांट्स। एंडेंजर्ड यानी कि खतरा मंडराने लग गया है, अब आपकी घंटी बज गई है, आप जान लो कि ये वाले को ज्यादा परेशान करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो उस परेशानी को खत्म करने की बात आ जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्पसेस सर्व करते हैं, जैसे कि सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन। सर्पगंधा बच्चे ब्लड प्रेशर इंडिया में ही मिलता है बाय द वे, और ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में काफी काम आता है। जामुन की सीड्स ये डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। माई फादर इज डायबिटिक एंड ऑलवेज कीप्स ऑन पॉपिंग अप दीज सीड्स, उसका पाउडर बना करके वो खाते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ जामुन की जूस जो है वो विनेगर बनाने के लिए यूज होती है, जो कि कार्बोनेटिव और ड्यूरेटिक होती है। काफी पर्पसेस है इसके, डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज यानी कि सुपाच्यता में हेल्प करती है, इजीली डाइजेशन में हेल्प करती है, डाइजेशन को स्ट्रांग बनाती है। पुदीन हरा खाते हैं, पुदीन हरा क्यों खाते हैं, मिंट होता है उसमें, तो वो दवा बना दिया, बट मिंट लीव्स भी आपके डाइजेशन में हेल्प करती है। फिर अर्जुन हो गया, अर्जुन का नाम हमने बहुत सुना हुआ होगा, ये ईयर एक में आपके बहुत सारे मेडिसिन जो आते हैं ईयर एक वाले, वो सारे जो ड्रॉप्स होते हैं उसमें कई जगह अर्जुन गंधा या ऐसे से कुछ कुछ नाम लिखा होता है। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है ये पेड़, इसकी जो जूस होती है, इसके लीव्स जो होते हैं, वो ईयर एक को ठीक करने में बहुत हेल्प करते हैं और ब्लड प्रेशर भी साथ ही साथ करते हैं रेगुलेट, ठीक है। अच्छा अर्णव हो गया, कैसा हुआ बच्चा, हाउ इज इट? देन बबूल, बबूल आपने बहुत ज्यादा देखा होगा, पूजा में भी यूज होता है, उसके थॉर्न्स होते हैं, ठीक है, ये आई सोरनेस के लिए यूज होता है और उसका गम जो होता है, उससे जो एक गम निकलता है वो टॉनिक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। नीम तो हमें पता है एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी बायोटिक प्रॉपर्टीज के लिए फेमस है, लोग पानी में डाल करके मॉपिंग करते हैं, जब चिकन पॉक्स वगैरह होता है तो नीम के लीव्स पे सुलाया जाता है कि इचिंग कम होगी, इट एक्ट्स एज अ डिसइंफेक्टेंट, कपड़ों को वॉश करने में नीम डाला जाता है, स्किन पे कुछ हो जाता है आपका इन्फेक्शन वगैरह एलर्जी तो फिर नीम को लगाया जाता है, एक्ने की प्रॉब्लम्स में नीम कहते हैं लगाना चाहिए, पीना चाहिए, तो इट इज वेरी हेल्पफुल, इट क्लैरिफाइज योर ब्लड। तुलसी हमें पता है कि कफ एंड कोल्ड में बहुत हेल्प करता है, काचनार हो गया आपका एस्मा और अल्सर्स में हेल्प करता है।
तो इतने इतने तरह के मेडिसिनल प्रॉफिट्स वाले हमारे पास इतने सारे पेड़ हैं, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा हमारे सराउंडिंग में बड़े आराम से मिलता है। इज इट अर्जुन ट्री, इज इट तुलसी? वैसे तो ये वाला फल अब हमें बहुत मिलने लग गया है, बट फल मिलता है क्या, पेड़ भी मिलता है, या फिर तुलसी? इनमें से कौन सा पेड़ पौधा बच्चे बहुत आराम से हमें मिलता है हमारे सराउंडिंग में? ए और बी, आपका वक्त शुरू होता है अब। लर्न विथ अस बच्चे, इकोनॉमिक्स का तो हमने टर्म वैसे सिलेबस जो है वो किया है फिनिश, आप किस चीज की एग्जैक्टली बात कर रहे हो वो मुझे बता दो। मेंटी बच्चे दिनेश अलग से नहीं होगा, लिंक नीचे आपको गिवन है, आप इस सेशन को ज्वाइन कर लो। आप देख सकते हो कि क्विज अभी भी चल रहा है, आगे भी यहीं पे क्विज चलेंगे, तो आप यहाँ यहाँ ज्वाइन कर लेना। गाइज वी आर गोना पॉज इन 3, 2, 1 एंड 0। तुलसी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है और 95% बच्चों ने सही दिया है, आप लोगों ने मचा दिया, ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब गाइस, ग्रेट जॉब, परफेक्ट। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की। तो फौना के बारे में तो हम पहले ही समझ चुके हैं, हमें यह भी पता है कि बहुत सारा फौना प्रेजेंट है हमारे यहाँ। हम मेगा बायोडाइवर्सिटी में सिर्फ प्लांट्स की वेरिएशन से तो नहीं आ जाते होंगे, पौधों का कुछ तो रोल होगा। तो इंडिया का जो फौना है वो काफी रिच है, लगभग 90,000 एनिमल स्पीशीज है हमारे पास और 2,000 बर्ड्स। अगर आप मछलियों की बात करो तो वो भी बहुत सारा है हमारे पास जो है। 13% वर्ल्ड का टोटल फौना हमारे पास मिलता है, जिनमें से 2,500 2,546 स्पीशीज फिश की हैं, जो कि दुनिया का 12% जो है वो वर्ल्ड स्टॉक का अकाउंट करती हैं। इसी के साथ अगर हमारा शेयर देखा जाए तो 5 से 8% के बीच में आता है एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स हर तरह के हैं हमारे पास प्रेजेंट, जिनमें से अगर हम स्पेसिफिक एनिमल्स की बात करें तो एलिफेंट सबसे मेजेस्टिक है मैमल्स में, जो कि हमें असम, केरला, कर्नाटका कहीं भी मिलते हैं। नॉर्थ में थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखा जाता है, वैसे साउथ में भी काफी होते हैं। ऑल्सो नॉट जस्ट दैट, एनिमल्स आपको ये एलिफेंट्स कहीं भी रोड पे चलते फिरते भी कई बार दिख जाते हैं, क्योंकि ये ऑन एन एवरेज कहीं भी किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में कर लेते हैं सर्वाइव। फिर वन हॉर्न राइनोसोरस, जो हमें पता है कि डेसिडोसोरस हमने पहले पढ़ा है ना, हमने पढ़ा है कि आसाम में मिलेगा, कौन से फॉरेस्ट में मिलेगा बताओ जरा, डेसिडियस या एवरग्रीन, क्या है आसाम में? तो ये स्वॉम्पी और मार्शी लैंड्स ऑफ आसाम में और वेस्ट बंगाल में मिलते हैं हमें। दूसरा आपका रन ऑफ कच्छ और थार डेजर्ट हो गया, ये एरिड रीजन है, यहाँ पे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है, जहां पे क्या मिलता है हमें, कैमल्स मिलता है, ठीक है। अनीत बच्चे, डाउट ऐप पे आपका डाउट वैसे ही क्लैरिफाई हो जाएगा। डाउट ऐप पे मैं डाउट क्लैरिफाई नहीं करती हूँ, मैं रेगुलर सेशंस में करती हूँ, मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, ठीक है। ये क्विज बच्चे दिनेश नीचे लिंक गिवन है, आप उस लिंक पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक गिवन है उससे आप ये सेशन ज्वाइन कर लो। ये वेव प्लेटफॉर्म, वेदांतों के प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, वहां पे आप कर सकते हो, ठीक है। चलो उसके अलावा बच्चे और कौन से जानवर है, तो इंडियन बाइसन हो गया, ये देखो ये ठीक है, विच इज लाइक द ब्लू ब्लू बुल बुल है ये। चौसिंगा हो गया, फोर हॉर्न एंटेलोप, ठीक है, चार हॉर्न वाला एंटेलोप है ये, देखिए ये रहा चौसिंगा। गजेल, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डियर, डियर के 12 सिंघा, चौसिंगा, ऐसे हमारे यहाँ बहुत कुछ मिलता है जो कि इंडिया में काफी फाइंड किया जाता है। इंडिया एक लौती ऐसी कंट्री है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एक बहुत प्राइड फील कराने वाला चीज भी है, ठीक है, एक टॉपिक भी है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहां से सवाल पूछा जाता है, इंडिया एक ऐसी लौती कंट्री है जहां पे टाइगर और लायन दोनों पाए जाते हैं, यानी कि कोई कंट्री ऐसी नहीं है जहां लायन और टाइगर दोनों रहते हो, या तो लायन रहता है या टाइगर रहता है। तो लायन बच्चे हमें मिलते हैं गिर फॉरेस्ट में, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश में मिलते हैं हमें टाइगर्स। टाइगर जो है जैसे मैंने आपको बताया सुंदरबंस में, और हिमालयन रीजन में भी मिलता है जहां पे कई बार व्हाइट टाइगर भी पाया जाता है। इसके अलावा लेपर्ड्स भी जो कार्निवोरस एनिमल्स से उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट माने जाने वाले जानवर हैं। लद्दाख में फ्रीजिंग एल्टीट्यूड्स में, यानी कि बिल्कुल पहाड़ों पे भी कई सारे जानवर हमें मिल जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पहाड़ें इतनी ठंडी है तो वहां कोई जानवर नहीं रहता होगा, याक, शैगी हॉर्न वाइल्ड डॉग्स, तिब्बतन एंटेलोप, भारल विच इज द ब्लू शीप, ये देखो ये सारे एनिमल्स, द कियांग वाइल्ड शीप, द रेयर रेड पैंडा, ये सारे हमें लद्दाख की इतनी एक्सट्रीम सर्दी में भी मिलते हैं। उसके अलावा आइबेक्स, बेयर, लो लेपर्ड, रेयर रेड पैंडा, ये भी कुछ पॉकेट्स में, यानी कि कुछ सेक्शंस में मिलते हैं। तो मोस्टली ये जो है
थोड़े कॉमन हो जाते हैं पहाड़ों पर हाई एल्टीट्यूड में कम टेम्परेचर में मिलने वाले जानवर। उसके अलावा ये भी बैर वगैरह भी, पोलर बैर और ये कुछ कुछ जो है आपको, पोलर बैर नहीं, बेसिकली माउंटेन पे रहने वाले बैर जो है, पोलर रीजन में पोलर बैर तो मिलता है, बहुत सर्दियों में रहते हैं, बट वो पॉकेट्स में आपको रेड रेड पैंडा वगैरह जैसे बैर्स मिल जाएंगे। ठीक है, रिवर में और कोस्टल एरियाज में रहने वाले भी कई जानवर हैं, जैसे कि टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल, जो कि पाए जाते हैं इंडिया में। ठीक है बच्चों, तो इसी बात पे हम थोड़ा सा क्विज कर लेते हैं। ठीक है, ओके, हर्ष एंड एवरीवन एल्स, लेट मी आस्क दिस क्विज क्वेश्चन एंड देन आई विल क्लैरिफाई योर डाउट। और इसीलिए सेशन को टाइम पे ज्वाइन करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि ये सारे इंस्ट्रक्शन जब शुरू में मिलते हैं आप वहां पे रहो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट इज यूज फॉर ट्रीटिंग ब्लड प्रेशर। बच्चे, ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए इनमें से कौन सा प्लांट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है? सर्प गंधा, जामुन, तुलसी, बबूल। ओके, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नाउ एवरीवन, जो हर्ष, दिनेश, आनंद, ये सारे जो भी बच्चे हैं जिन्हें इतना सारा कंफ्यूजन है, ये सेशन आपके लिए बिल्कुल फ्री है। यू डोंट हैव टू पे एनी फीस। हम चाहते थे कि आप एक्सपीरियंस कर सको इस सेशन को, इसीलिए हमने आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक ऐड की हुई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां पे लिंक ऐसा करके आएगा कि ज्वाइन द सेशन एट दिस लिंक। ठीक है, और रचित पांडे, दिव्यांश, आबिर, स्पर्श, आयुष, आदित्य, इनीश, तुब्बा, आभास, ख्वाहिश ने दिया है बिल्कुल सही जवाब, 74%। मार्वेलस गाइस, अमेजिंग। सर्प गंधा बिल्कुल सही जवाब है। अब मैं ये जो हमारे कुछ बच्चे हैं जिन्हें इतना सारा कंफ्यूजन हो रहा है, उनको थोड़ा सा बता दूं भाई कि क्या करना है। बच्चे, जब आपने सेशन ज्वाइन किया होगा तो यहाँ क्लास का नाम लिखा है, इसके ठीक नीचे यहाँ पे ये देखो ज्वाइन द सेशन लिंक दिया हुआ है। आप इस लिंक के थ्रू, ये जो सेशन अभी वेव प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, आप इससे ज्वाइन कर सकते हो। जो जिन बच्चों ने फोन से किया है, आपको ऐसे एक ड्रॉप डाउन बटन देगा जिसको आप क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, उसमें पहला लिंक गिवन है जो लिखता है क्लिक द लिंक टू ज्वाइन द वेदांतु सेशन। आपको इस लिंक को यूज करना है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस, कोई क्लास फीस, कुछ भी नहीं है, ये सेशन फ्री है। आप आकर वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे से अटेंड करके वेदांतु का मजा ले सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो कि कैसे होती है क्लासेस, इसीलिए कर रहे हैं हम ये। ठीक है, चलिए अब जो है हम बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर देयर इन इंडिया? इंडिया में कितनी स्पीशीज पाई जाती हैं? 200, 2000, 1000 या 20000? बच्चे, बर्ड्स की बात की जा रही है, अप्रोक्सीमेटली बताना है हमारे पास कितनी स्पीशीज जो है वो पाई जाती हैं। अप्रोक्सीमेटली यानी कि आप आसपास वाला लिमिट लोगे, और आपका वक्त शुरू होता है इन 3, 2, 1 एंड 0। ठीक है, संजीव सिंह भाई, आप तो जीनियस हो, क्या बात है। किनौरा गेमर, आर यू श्योर इट्स 20,000? सोचिए जरा ध्यान से बच्चों, 200 जो है वो काफी छोटा नंबर लग रहा है अगर हम बायो, मेगा बायोडायवर्सिटी में आते। 20,000 बर्ड्स के लिए, पंछियों में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। स्पर्श, आयुष, अर्जुन, रचित, शानू, इनेश, आभास, सहराज, साईराज, प्रांजल, कुमकुम, कंग्रेचुलेशंस, आपने बहुत सही जवाब दे दिया है, 73%, अमेजिंग यू गाइस, परफेक्ट। और सही जवाब था हमारा अबाउट 2000 स्पीशीज। अब इसी बात पे आपके लिए थोड़ा सा तो सेलिब्रेशन बनता है। तो बच्चे, टू बी प्रिसाइज, 2546 इज द नंबर, 2500 हमारे पास बर्ड स्पीशीज है। चलो, द याक, शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स, तिब्बतन एंटेलोप, ये सब हमें कौन से रीजन में मिलते हैं? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम या फिर लद्दाख? एंड वी विल स्टार्ट इन 3, 2, 1, 0। हाँ जी अथर शर्मा, मैं वेदांतु पे पढ़ा रही हूँ, बट आप ये सेशन ज्वाइन कर सकते हो फ्री में। नीचे सेशन के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पे ज्वाइन द वेदांतु सेशन का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ सेशन को ज्वाइन करके यहाँ आके इन क्विजेस को खेल सकते हो। भूमि, आयुष, रचित, सुधीर, रिद्धि, कुमकुम, शौर्य, साईराज, प्रशा, प्रणव, अमेजिंग यू गाइस, 77% ऑफ यू हैव आंसर्ड एब्सोल्युटली करेक्ट, गुड जॉब, विच इज आपका लद्दाख। क्योंकि ये याक वगैरह ये कहाँ है बच्चे? बहुत ही लो टेम्परेचर पे और हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाले जानवर हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपके लिए इस हाई एल्टीट्यूड की फीलिंग दिला देते हैं और बढ़ते हैं आगे।
श्रेयस तिवारी बच्चे कोई बात नहीं, इट्स ओके. नाउ गाइस, अ वेरी गुड न्यूज, 6th of February, जो हमारा 6 फरवरी है यानी कि कल, ठीक है, संडे, इस दिन एक बहुत बड़ा धमाका आने वाला है. ठीक है, सेल होने वाला है, सिर्फ एक दिन का सेल होने वाला है. तो अगर आपने ये सारे चांसेस मिस कर दिए थे तो ये आखिरी एकेडमिक ईयर का सेल होगा, पहली चीज. दूसरी, आपका आखिरी बैच जो है टर्म टू का, वो बिगिन हो रहा है जो कि 14th Feb को हो रहा है. अगर आप इस 14th Feb वाले बैच को वैलेंटाइंस डे के दिन अपने पढ़ाई पे फोकस करके अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो आपका बहुत बहुत अमेजिंग जो है कल आने वाला है सेल, जहां पे डाउट्स, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ये सब कुछ जो हमारा स्ट्रेस है सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वेदांतु लाइव इंटरैक्टिव कोर्सेज आपके लिए इजीली रेडीली होने वाले हैं अवेलेबल, जहां पे आपने पता है कि आपके सारे सेशंस लाइव होते हैं ऐसे क्विजेस की तरह. यू आर ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग इट, आप देख सकते हो कि इतने सारे रिवॉर्ड्स हैं. नॉर्मल सेशन में जो ये चैट ना ओपन होता है, अभी ये हमने यहां लॉक करके रखा है बिकॉज इट्स एन ओपन सेशन, एनीवन कैन गो एंड कम इन एंड ज्वाइन. इसकी वजह से कई सारे बच्चों को लिबर्टी मिल जाती है, कोई रैंडम इंसान भी घुसकर कुछ भी लिखकर चला जाता है. फॉर दैट रीजन हमने इसको ऑफ रखा है. अदरवाइज रेगुलर सेशंस में ये ओपन होता है, आप मुझसे बात कर सकते हो, आप अपने दोस्तों में बात कर सकते हो. डाउट पैनल होता है, जैसे कि हमारे साथ आज जो है ट्विंकल मैम है. ट्विंकल मैम हमारी क्लास टीचर है, तो क्लास टीचर्स आपके साथ प्रेजेंट होते हैं जो कि डाउट्स आपके क्लैरिफाई कर रहे होते हैं. अभी ट्विंकल मैम जितने भी बच्चे हैं उनके डाउट्स क्लैरिफाई कर रही हैं. ये सारी चीज़ें जो है बच्चों आपको बहुत अमेजिंग अमेजिंग डिस्काउंट पे कल मिलने वाली है, जहां आपका पूरा रिविजन होगा. ये हर एक चीज़ जो नोट्स पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है, ये आप बाद में डाउनलोड कर पाओगे. आई विल शो यू हाउ एंड वेयर आपके सारे डाउट्स इंस्टेंटली सॉल्व होंगे. अभी तो वैसे ट्विंकल मैम पूरी कोशिश करूंगी कि आपके जितने डाउट्स हैं वो सॉल्व कर सके, बट रेगुलर सेशन में मैं भी करूंगी क्योंकि चैट ओपन होगा. आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए हर सेशन के बाद असाइनमेंट्स देंगे हम आपको प्रैक्टिस के लिए, हर हफ्ते टेस्ट्स देंगे आपको. और अगर कुछ नहीं, अगर आपको लग रहा है कि यार ये कोई चैप्टर है जिसके साथ मैं बहुत स्ट्रगल, आई एम स्ट्रगलिंग अ लॉट, कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो आपके लिए माइक्रो कोर्सेज भी बिल्कुल फ्री मिलेंगे बच्चे, जब आप ले लेते हो ये प्रो सब्सक्रिप्शन. और आपके लिए बहुत अमेजिंग न्यूज है, इन बच्चों के नाम की जगह आपका नाम हो सकता है कल, टुमारो इज द डे, लास्ट टर्म टू के बैच को ज्वाइन करके धमाका करने की. तो जैसे यहां पे दिख रहा है, एक बैच आपका इस मंडे को, ये जो मंडे चला गया, इस मंडे को भी स्टार्ट हुआ है. ठीक है, जस्ट इनकेस आपको लग रहा है कि नहीं ये तो छूट गया, अभी से एनरोल कर लो. ये नेक्स्ट पूरा वीक जो है आप पुराने बैच में करो, और 14th Feb को जब बैच आएगा तो आपका ये आखिरी बैच होगा टर्म टू का, फाइनली उसमें एनरोल कर लेना. ठीक है, करना क्या है, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, CBSE टर्म टू करके दिया हुआ है हमें. ठीक है, उस वाले टर्म टू वाले लिंक पे आपने जाना है और वहां पे कोड ANKPRO लगाना है. द मोमेंट यू अप्लाई द कोड आपको बहुत अमेजिंग डिस्काउंट मिलेगा, स्पेशली टुमारो विच इज 6th Feb. और अगेन लेटिंग यू नो, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन का डिस्काउंट है, तो रॉक कर देना है हमें. ठीक है, मैं एक बार वापस अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देना चाहती हूँ कि कैसे क्या होता है. ठीक है, कहाँ पे जाना है. सो गाइस, इफ दिस इज अ सेशन दैट यू आर वॉचिंग, आप स्क्रॉल डाउन करोगे, बच्चों बहुत ही कम लाइक्स है यार, कम ऑन पीपल, गो एड एंड हिट द लाइक बटन. जिन बच्चों ने सेशन ज्वाइन नहीं किया, ये देखो, क्लिक द लिंक टू ज्वाइन द सेशन, यहां से आप सेशन ज्वाइन कर सकते हो जो अभी चल रहा है. और ये देखो CBSE टर्म टू जो है, आप यहां पे क्लिक करो. ठीक है, हाउ एवर अभी भी प्राइसेस बहुत ही अमेजिंग है. ओ चलो, अब तो कुछ कहना ही नहीं है, मुझे लग रहा था कि शायद रिड्यूस नहीं हुई है. गाइस, 900 रुपीज में आपके लिए पूरा का पूरा आपके टर्म टू का प्लान रेडिली अवेलेबल है. ऑल ऑफ दीज लाइव इंटरक्टिव सेशन, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट, डाउट सॉल्विंग सिर्फ 900 रुपए में हो रही है बच्चों. आई थिंक दिस इज द टाइम, मार दो हथौड़ा जो गर्म है, क्या कहते हैं उसे, नेल गर्म है, बिल्कुल मार दो हथौड़ा. और 1000 रुपए में ये डाउट सॉल्विंग ऐप भी मिल रही है आपको. डाउट सॉल्विंग एग्जाम के पहले बहुत जरूरी होती है, सिर्फ 100 रुपीज में ये सब कुछ मिल जाएगा. और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे सिर्फ एक महीने के लिए चाहिए ट्रायल पैक, तो बच्चे वैसे तो आपको ये 2 महीने के लिए, जब तक आपके एग्जाम्स ना हो तब तक के लिए असिस्टेंस मिल रही है, बट आपको सिर्फ ट्रायल पैक चाहिए तो 480 रुपीज में वो भी मिल रहा है. और जब आप मेरा कोड लगाओगे तो ये 1 महीने का मिलेगा, ना कि सिर्फ 15 दिन का. एंड दिस ट्रायल पैक इज अवेलेबल फॉर 640 रुपीज. वैसे अगर आपका एग्जाम 1 महीने में है तो मैं कहूंगी कि वो ट्रायल पैक ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
देखिए, जब आप इस सेशन को लेते हैं, ठीक है, दिस इज हाउ द लिस्ट विल अपियर फॉर यू. जब आप लेते हैं इस सब्सक्रिप्शन को, आपको अपकमिंग पास्ट सारे सेशन इस तरीके से दिखेंगे. ये देखो, ये पास्ट सेशन है, ठीक है. इसमें आप जाकर रीप्ले भी देख सकते हो या इधर से गेट नोट्स भी कर सकते हो, ठीक है. तो ये देखो, ये व्हेन आई स्क्रोल डाउन, 1 घंटे 6 मिनट का सेशन था. 12 क्विज क्वेश्चंस किए थे हमने, जितने डाउट्स पूछे गए हैं सारे सॉल्व कर दिए गए हैं. उसके बाजू में जो गेट नोट्स के पे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको नोट्स मिल जाएंगे. ये देखो, नेचुरल वेजिटेशन का ही नोट्स है. यू कैन इवन डाउनलोड दिस फ्रॉम हियर, आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो. तो उसके अलावा आपको लगता है कि मैम हमें और क्वेश्चंस चाहिए, तो यहाँ कंटेंट में जाके शेयर टेस्ट में जाना है. आपको पूरी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर एक सब्जेक्ट की ये देखिए लिस्ट मिल जाएगी. इससे जितने प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस कर लो बच्चे, आपकी जिंदगी बहुत ही आसान रहेगी, ठीक है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट यू कैन ईदर यूज द लिंक, ठीक है, और आई वुड जस्ट से कि आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे जा करके आप वहां पे कोड लगाओ. एंक प्रो कोड जरूर लगा लेना, ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. वहां पे ये कोड लगाइए और आपको अमेजिंग अमेजिंग, मतलब आप देख रहे हो मेरा कोड लगा के 900 रुपए में सब कुछ हो जा रहा है, तो क्या ही लोड है और, ठीक है. चलो अब थोड़ी सी बर्ड लाइफ की बात कर लेते हैं. इंडिया में बच्चे बर्ड लाइफ बहुत कलरफुल है. आपको पैरट्स दिखेंगे, पीकॉक दिखेगा, डव्स दिखेंगे, डक्स दिखेंगे, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी की बात है. उसके अलावा भी हमें पता है, हमारे पास फेजेंट्स हैं, पैराकीट्स हैं, क्रेन्स हैं, पिजन्स हैं, अलग अलग कलर के कुछ इधर हमारे आसपास भी रहते हैं. मेरे घर के सामने प्लांट पेड़ पे कई बार मुझे पैरट्स पैराकीट्स दिखते हैं. आप कई बार जंगलों में जाओगे तो और भी अतरंगी जो है हमारे बर्ड्स मिलेंगे, ठीक है. तो ये सब कुछ है और ये एनिमल्स भी हमें बहुत कुछ तरीके से हेल्प करते हैं. ट्रांसपोर्टेशन, मीट, एग, ड्रॉट पावर, फिश हमें पता है जो है बहुत ही न्यूट्रिटिव फूड, और इंसेक्ट्स जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं. तो इवन दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ यू कैन से एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एग्जिस्ट. एवे नहीं एग्जिस्ट करते हैं, उनके साथ जो है वो बहुत सारी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा भी करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं. तो हमें समझ आ रहा है कि क्यों ये प्लांट्स एनिमल्स इंसेक्ट्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए इन्हें कंजर्व करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है. लेकिन अभी क्या हुआ है, ह्यूमंस जो है इस इकोसिस्टम से इंटरैक्ट करने लग गए हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, ये सारे रिसोर्सेज अब जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्ट्रप्ट हो रहे हैं हमारे इंटरवेंशन से, हमारे एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन से, हमारे बहुत यूज करने की वजह से. अगर आप लिस्ट देखोगे तो लगभग 1300 प्लांट्स जो हैं वो इंडेंजर्ड हैं और 20 तो है ख़त्म भी हो चुकी हैं. यानी कि 1300 प्लांट्स अगर हमने अपने यूजर्स को कम नहीं किया, उन्हें एक्सप्लॉयट करना कम नहीं किया, तो ख़त्म हो जाएंगी. 1300 प्लांट्स, 1300 प्लांट्स जो कभी एग्जिस्ट किया करती थी वो ख़त्म हो जाएंगे, उनका नामो निशान ख़त्म हो जाएगा. 20 के ऑलरेडी हो चुके हैं, दे हैव ऑलरेडी एक्सटिंक्टेड. और बहुत नॉर्मल सा रीजन है, हम लोग इतना डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम इतने फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की वजह से चीज़ों को हटा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए ज़मीन खाली कर रहे हैं, रोड्स बनाना है, माइनिंग करनी है, एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए. एवरी नाउ एंड देन हम जो है इन चीज़ों को साफ करते जा रहे हैं, विच इज़ क्रिएटिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम. उसी के साथ साथ एनिमल्स के साथ हंटिंग हैज़ बीन अ रियली रियली बिग इश्यू एंड कंसर्न फॉर अस बिकॉज ऑफ ग्रीडीनेस, लालच की वजह से कुछ लोगों की, कि हमें हमारा रिकॉर्ड बढ़ाना है, हमें नंबर ठीक करनी है, हमें स्किन चाहिए, फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस, कमर्शियल पर्पसेस और जस्ट शो ऑफ यू कुड से, एनिमल्स बहुत ही एंडेंजर्ड हो चुके हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, हमने डायरेक्टली जो इंटरवीन करके तो डिस्ट्रक्शन किया है वो तो किया ही है, उसके ऊपर से पोल्यूशन करके एनवायरनमेंट को अपने लिए तो अनफिट बनाया ही, इन प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी अनफिट बना दिया. बच्चे केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट, एलियन स्पीशीज को लाके इंट्रोड्यूस कर देना. देखो पहला दो तो हमें पता है पूरा पोल्यूशन है, इंडस्ट्री से कुछ निकला जंगल में फेंक दो, पानी में फेंक दो, वहां के प्लांट्स एनिमल्स सब डिस्टर्ब हो गए. किसी प्लांट को हमने काट दिया, भाई आपने किसी जंगल से पूरे प्लांट्स को काट दिया, वहां के जानवर कहाँ जाएंगे. हमें पता है कि इको सिस्टम का क्या मतलब होता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, उनकी डिपेंडेंसी एक दूसरे पे. आप एक एलिमेंट को डिस्टर्ब करोगे तो दूसरा एलिमेंट अपने आप डिस्टर्ब्ड हो जाता है, ठीक है. फिर हम क्या करते हैं, रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ काटते जाओ, सॉइल इरोजन होगा, रेन वाटर साइकिल में डिस्टर्बेंस होगी, और आपका टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन लेवल घटेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा. ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा ही आप कह सकते हो इम्बैलेंस क्रिएट कर रही हैं, और वो हमारी वजह से हो रहा है. तो ये गवर्नमेंट को चमका, फाइनली लगा उन्हें, समझ आया. तो उसकी वजह से क्या हो गया,
दे स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग फ्लोरा एंड फौना. उन्होंने ऐसे पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरियाज बना दिए जहाँ पे जो भी पेड़ पौधे बचे हैं, जो जानवर बचे हैं, वो वहाँ सिक्योरली रह सके, कोई जाकर उन्हें हंट ना करे, कट ना करे, ठीक है. और इसीलिए 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स बने हैं जो इन फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करते हैं, जिनमें से 10 का नाम हमें यहाँ पे गिवन है. सुंदरबंस, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नोक्रेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, सॉरी पचमारी जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है. तो ऐसे ऐसे अमरकंटक, ये सारे हमारे बायो रिजर्व्स बने हैं इन प्लांट्स को, एनिमल्स को बचाने के लिए, ठीक है. सुंदरबन हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, आपको बताना है ये कौन से स्टेट में है, ये वेस्ट बंगाल में या मध्य प्रदेश में. या सुंदर ट्रीज और रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है. बहुत मैंने आपको हिंट भी दे दिया, आपका समय शुरू हो गया है. अब जल्दी से बता दीजिए, वेस्ट बंगाल या मध्य प्रदेश कहाँ मिलता है ये हमें. सुंदरबन नेशनल पार्क पूछा जा रहा है, ना कि टाइगर्स. आर्यन ठीक है यार, कर लूंगी. ओके चलो, आई विल एंड इट नाउ इन 3, 2, 1 एंड 0. परफेक्ट परफेक्ट अमेजिंग यू गाइस, 88% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है और बिल्कुल रॉक कर दिया आप लोगों ने. ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच. तो आप क्या कर सकते हैं, हम पहला हमने देखा बायो रिजर्व्स बने. दूसरी चीज जो हमारी गवर्नमेंट ने रियलाइज की, अगर आप जू खोल रहे हो, कोई रिजर्व खोल रहे हो, उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको पैसे चाहिए. अगर आपके पास कोई बोटानिकल गार्डन है, वहाँ पे प्लांट्स को मेंटेन करने के लिए लोगों को लोग चाहिए, मेंटेन करने के लिए लोगों को देने के लिए पैसा चाहिए. यानी कि फाइनल और टेक्निकल दोनों ही असिस्टेंस गवर्नमेंट को देनी होगी, और गवर्नमेंट ने ये शुरू कर दिया 1992 से. कच्छ, कोल डेजर्ट, श्रीशलम, पन्ना, ये सारी जगह हमने देखा है, ठीक है. उसके अलावा जो पर्टिकुलर एंडेंजर्ड या फिर आपका रेड लिस्टेड एनिमल्स थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ये सब क्यों शुरू किया गया, स्पेसिफिक फोकस प्रोटेक्शन करने के लिए उन जानवरों के लिए जो कि एंडेंजर्ड हैं या एक्सटिंक्शन के वर्ज पे हैं, जिनको लेकर हमारी लाल बत्ती जल चुकी है. अगर आप देखो, वैसे तो हम सारे जानवर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बट बच्चा जो ऑलरेडी कम है उस पर स्पेशल फोकस देना जरूरी है, वरना वो अगर चार ही बचे हैं तो उनमें से दो को कुछ हो गया फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस. हो सकता है हमारे इंटरवेंशन से नहीं, किसी नेचुरल कॉज से ही हो गया, बट हमें उस चीज को ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए फोकस्ड प्रोजेक्ट चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ने चालू कर दिए. उसके अलावा चौथी चीज जो गवर्नमेंट ने की, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब कुछ ओपन कर दिया. अगर आप सोच रहे हो मैम बायो रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, ये कैसे डिफरेंट है, ये बहुत डिफरेंट नहीं है. मेन बात ये है कि कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यूरिसडिक्शन होती है, जैसे कि बायो रिजर्व्स, ठीक है. नेशनल पार्क्स वगैरह स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो फाइनेंसेस, प्लानिंग, किसका ज्यूरिसडिक्शन है, उसकी वजह से नाम हमने अलग अलग रखा है. दूसरा, कुछ जगह पे बाहर के लोगों को जाना अलाउड नहीं होता है, कुछ जगह लोगों को जाना अलाउड होता है. कुछ जगह आप कुछ चीज़ों को पिक कर सकते हो, कुछ प्लांट्स का प्रोडक्ट ले सकते हो, कुछ जगह स्ट्रिक्टली कुछ भी नहीं वहां से निकालना है बाहर, ऐसे रूल्स हैं. तो इन सारी चीज़ों की वजह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बर्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब अलग अलग टर्मिनोलॉजीज दिए गए. तो बच्चे ऐसे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज खोली गवर्नमेंट ने, ठीक है, और जूलॉजिकल गार्डन्स बनाए, ताकि हमारा जो नेचुरल हेरिटेज है, जो हमारा पूरा वेल्थ है नेचर वाला, वो प्रोटेक्टेड रहे. बट गवर्नमेंट अपने एंड पे सब कुछ कर रही है, लेकिन जहां प्रोटेक्शन नहीं है, जहां पे कोई नहीं है, वहां पे हमें भी रियलाइज करना है कि इकोसिस्टम हमारा है, ये नेचुरल हेरिटेज हमारी है, हमें अपने से एफर्ट्स लेने होंगे. कोई पेड़ काट रहा है तो उसे रोको, कोई किसी चीज को डिस्ट्रक्ट कर रहा है तो उसे रोको, ठीक है. इफ इट इज पॉसिबल, सॉरी इट इज पॉसिबल टू इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट, टू पुट एन इमीडिएट इज पुट टू एन इमीडिएट एंड, ठीक है. तो ये बहुत जरूरी है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी जो पूरी की पूरी इकोसिस्टम है वो काफी डिस्टर्ब और डिस्ट्रप्ट हो जाएगी, ठीक है. चलिए अब इसी के साथ हम कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस. कितने बायो रिजर्व जो हैं गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं, 17, 16, 18 या फिर 15, आपका वक्त शुरू होता है अब. हाउ मेनी बायो रिजर्व्स हैज बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड द फौना, 17, 16, 18 और 15.
और आपका समय हो चुका है समाप्त. एंड वी हैव रचित, आरिभ, भूमि, ऋतिका, आयुष, पूर्णिमा, गरिमा, तुबा, स्पर्श, मयंक, कंग्रेचुलेशंस. 56% बच्चों ने सही जवाब दिया. बच्चे 18 है हमारे रिजर्व जो खोले गए हैं, जिनमें से 10 के नाम हमने पढ़े भी हैं. ठीक है, चलो. व्हाट हैज बीन सेट अप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज? हमारे नेचुरल हेरिटेज को बचाने के लिए क्या सेटअप किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जूलॉजिकल गार्डन्स, या फिर ये सारी चीजें हमारे नेचर को, फ्लोरा फौना को बचाने के लिए सेटअप की गई है. और आपका वक्त शुरू होता है अब. धनी राम शर्मा, क्या हो गया बच्चे, किस चीज की कंफ्यूजन है? समय समाप्त, द टाइम इज ओवर. एंड सोबिया, रिधि, प्रणव, अनमोल, अंकुर, रचित, इनेश, आयुष, आरब, जिया ने दिया है बहुत सही जवाब. क्या बात है बच्चों, 88% ऑफ यू हैव आंसर्ड एब्सोल्युटली करेक्ट. अभी तो मैं ढोल यहीं पे बजा दूंगी क्योंकि आपने बहुत ही कमाल किया. ऑल ऑफ दिस. चलो आखिरी क्वेश्चन. सिमलीपाल बायो रिजर्व जो है वो कौन से स्टेट में है? पंजाब में, मेघालय में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में? ये मैप मार्किंग में भी काम आएगा तो याद करना है. आपका वक्त शुरू होता है अब. कहां पे मिलता है ये हमें? धनी बच्चे, वैसे तो लिंक गिवन था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेशन को ज्वाइन करने का, लेकिन आपने लगता है थोड़ी देर से सेशन ज्वाइन किया है. दिस इज द लास्ट क्विज क्वेश्चन, तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे क्योंकि क्विजेज ही खत्म हो गई हैं, है ना. रिधि, इनेश, सैम, भूमि, सक्षम, प्रेरणा, आदित्य, ऋषभ, राज, प्रियानी, अंकुर. मुझे लग रहा था कि कुछ बच्चों से गलती होगी क्योंकि ये जरा सा डिफिकल्ट था. बच्चे उड़ीसा सही जवाब है. हमारा जो आपका सिंपली पाल बायो रिजर्व है वो उड़ीसा में, ठीक है, याद कर लो. अब इसकी वजह से याद रहेगा. जल्दी से समराइज कर लेते हैं. हमने देखा कि नेचुरल वेजिटेशन जो है थॉर्नी बुशेस कहाँ रहती हैं, जहाँ पे रेनफॉल कम होता है. ये फॉरेस्ट के बारे में ये हमने देख लिया था. इंडिया जो है वो अपने नेचुरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है, इकलौती कंट्री जहां टाइगर लायन दोनों मिलते हैं. गिर में रहते हैं हमारे एशियाटिक लायन. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इंप्लीमेंट किया गया था. लद्दाख के फ्रीजिंग एल्टीट्यूड्स पे भी कई सारे जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि याक, वाइल्ड डॉग्स एटसेट्रा. लगभग 1300 प्लांट स्पीशीज ऑलरेडी इंडेंजर्ड है और 20 उनमें से एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं, तो इट्स हाई टाइम वी स्टार्ट डूइंग द कंजर्वेशन. 18 बायोस्फीयर इसीलिए फ्लोरा फौना को रिजर्व करने के लिए सेट किए गए हैं. पर्टिकुलर एनिमल्स के लिए डेडिकेटेड प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं. फाइनेंशियल एड दिया जा रहा है, टेक्निकल एड दिया जा रहा है, और नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ और जूलॉजिकल गार्डन्स भी सेटअप किए गए हैं हमारे नेशनल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए. अब हम एक नजर डालेंगे हमारे होमवर्क क्वेश्चन पे. होमवर्क क्वेश्चन का जवाब बच्चों आपको कमेंट सेक्शन में ही देना है क्योंकि हमारा जो अगला लीडर बोर्ड है वो कमेंट सेक्शन से ही पिक किया जाएगा, ठीक है. तो आपका सवाल है, विच मेडिसिनल प्लांट हैज हाई एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज? शीशम, नीम, सुंदरी और साल. और दूसरा सवाल है, कौन से स्टेट में मानस बायोस्फीयर जो है वो लोकेटेड है? मेघालय, असम, सिक्किम या वेस्ट बंगाल? बच्चों इन सब का जवाब धनी, इसका जवाब आप दे सकते हो. आंसर आप कहाँ दोगे? आंसर आप दोगे कमेंट सेक्शन में. तो एक बार हम फटाफट लीडर बोर्ड देख लेते हैं. लेट्स क्विकली लुक एट द लीडर बोर्ड. तो हमारे पास है आयुष ऑन द टॉप, फॉलोड बाय स्पर्श, गरिमा, ख्वाहिश, अनन्या, मयंक, सुगंधि, भूमि, स्फूर्ति, श्रेयम, श्रेया, जिया, सैम द बॉस, रचित और सुधीर ने. और आप लोगों ने बहुत ही कमाल कर दिया है, सो दैट्स वंडरफुल. एंड आई प्रोबेबली विल जस्ट you know give a huge round of applause. Okay guys, so with this we have come to the end of the session. Thank you so much. Perfect. ठीक है, तो धनी, बाकी बच्चे, ट्रिगर्ड, साइलेंट, सब लोगों को जवाब नीचे देना है कमेंट सेक्शन में. थैंक यू गाइज फॉर बींग हियर. थैंक यू क्लास टीचर ट्विंगल मैम फॉर हेल्पिंग अस आउट. बच्चों याद रखना, कल बहुत ही धमाकेदार सेल है. अभी तो आपका ऑलरेडी जो है सिर्फ 900 रुपये में आपको पूरे टर्म टू की तैयारी हो रही है. आपको सिर्फ एक महीने के लिए चाहिए तो वो और भी कम हो रहा है, सिर्फ 450 रुपये में, 500 रुपये एक्चुअली मान लो. तो जस्ट गो हेड एंक प्रो कोड लगाना मत भूलना. और हम मिलेंगे बहुत जल्द. टिल द नेक्स्ट टाइम, अस्सलामुअलैकुम, बाय, चाओ, गुड नाइट, अदियोस, हैव अ ग्रेट इवनिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स. बाय बाय गाइस, टेक केयर.